बिहार की राजनीति में नई पार्टी की एंट्री हो चुकी है। प्रशांत किशोर ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। पटना में पार्टी की लॉन्चिंग कार्यक्रम के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज बिहार तस्वीर बदल देगा, यानी जन सुराज उनकी पार्टी बिहार की तस्वीर बदलने आई है। बिहार के युवाओं की जिद है कि जिस वाला राज्य जातियों में बटा हुआ राज्य मानकर इसके हाल पर छोड़ दिया। बहुत दिन से जन सुराज अभियान चल रहा है, 2-2.5 वर्ष से चल रहा है। हम लोग पूछ रहा है दल कहिया बनेगा, तो आज दल बनाने के लिए आप जुटे हैं, तो एक बार स्वागत कीजिए, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए। चुनाव आयोग की तरफ से जन सुराज को आधिकारिक तौर पर जन सुराज पार्टी के तौर पर स्वीकार कर लिया गया। अपने आप को जो राजनीति का विशेषज्ञ बताता है, अरे हमारे पत्रकार बंधु लोग बैठे हैं, ये पूछेगा कि अगड़े आए थे कि पिछड़े आए थे, दलित आए थे हिंदू आए थे कि मुसलमान आए थे, जन सुराज के इस स्थापना दिवस में कौन आया था, तो अभी हम आपको बताते हैं कौन आया था। यहां बैठे हुए लोग, यहां आप जितने लोग आए हैं, यहां अगड़े भी आए हैं, यहां पिछड़े भी आए हैं, यहां दलित समाज के लोग भी आए हैं, यहां हिंदू भी आया है, यहां मुसलमान भी आया है, यहां बिहार का वो शख्स आया है जिसने ये तय किया है कि जिस राज्य को ज्यादातर दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर इसके भविष्य हवाले छोड़ दिया है, उसको सुधारने का जिम्मा आप जैसे लोगों ने उठाया है। और ये नारा क्यों लगाते हैं, जय बिहार जय जय बिहार का नारा क्यों लगता है? ये इसलिए लगता है कि आप उन वो ये वो समूह है जिसने तय किया है कि अपने जीवन काल में हम लोग ऐसा बिहार बनाएंगे कि देश दुनिया में कोई आदमी बिहार और बिहारी को गाली नहीं दे पाएगा।